Big updates coming from Igor's teammates from Indian national team football camp ahead of Afghanistan. Vital fixtures home and away. काफी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं एंड Igor's teammates की ये बॉडी लैंग्वेज I am just loving it. Hey guys, welcome back to my channel. And अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो make sure you subscribe to this channel क्योंकि यहाँ पे आपको Indian football पे daily related videos मिलती रहती हैं. So make sure you subscribe यार. सो Igor Stimac ने जो बोरिया मजूमदार को ये रेव स्पोर्ट्स को जो इंटरव्यू दिया आई एम जस्ट लविंग इट. जो बॉडी लैंग्वेज है इस वक्त Igor Stimac की एंड जितना कॉन्फिडेंस उनके अंदर झलक रहा है, आई डोंट सी इंडिया क्रैशिंग अगेंस्ट अफगानिस्तान. अफगानिस्तान के अगेंस्ट हम काफ़ी वाइटल गोल्स स्कोर करेंगे एंड हम वहाँ से पॉइंट्स लेके आएंगे जब हम सऊदी अरेबिया में उनको खेलेंगे 22 मार्च को. ये 100% लिख के ले लो, कुछ बढ़िया होने वाला है अब अगले दो मैचेस में. एएफसी एशियन कप बहुत ज़्यादा बुरा गया, वी ऑल नो दैट, वी वर पथेटिक, बट अफगानिस्तान इज ऑल टूगेदर अ डिफरेंट टीम. वर्ल्ड कप क्वालिफायर है ये, इसकी इंपॉर्टेंस पता है Igor Stimac को एंड Igor Stimac ने जो इंटरव्यू दिया है बोरिया मजूमदार को, काफ़ी उन्होंने की पॉइंट्स हाईलाइट करें हैं जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि ये लिख के ले लो मुझसे, आंखों में आंखें डालकर उन्होंने बोरिया मजूमदार के ये कहा है कि इंडिया विल रीच राउंड थ्री. ये लिख के ले लो मुझसे, जितनी मर्जी बारी बुलवा लो एंड आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि हम जा रहे हैं राउंड थ्री में. क्योंकि जो हमारे को जून वाले फिक्स्चर्स के लिए कैंप मिलेगा, जो कुवैत वाला फिक्स्चर है हमारा जून में, उसके लिए 4 हफ्तों का कैंप मिल चुका है Igor Stimac को 99%, क्योंकि ISL तब तक खत्म हो जाएगा. तो जितने भी उनके प्लेयर्स हैं इंडियन नेशनल टीम के, उनको 4 हफ्तों का कैंप मिलेगा Igor Stimac को. एंड उन्होंने ये कहा है कि जब भी मुझे 4 हफ्तों का कैंप दिया गया है, लंबे कैंप्स दिए गए हैं, हमने तब तब अच्छे रिजल्ट्स निकाले हैं. एंड इस बात से मैं काफ़ी ज़्यादा सहमत हूँ कि लंबे कैंप्स जब भी मिले Igor Stimac को, उन्होंने रिजल्ट्स निकाल के दिखाए हैं. तो ना सिर्फ अफगानिस्तान वाले फिक्स्चर्स, वो जून वाले फिक्स्चर्स भी टारगेट कर रहे हैं क्योंकि कुवैत के अगेंस्ट ऑल टुगेदर एक डिफरेंट मैच होने वाला है. बट अब और जो इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आई है वो ये आई है कि जो फाइनल स्क्वाड है अपना अफगानिस्तान वाले फिक्स्चर्स के लिए, वो कल फाइनल हो जाएगा एंड पब्लिश कर देगी इंडियन फुटबॉल टीम का ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम आईडी, उन सब पे आ जाएगा, आपको दिख जाएगा हमारा जो फाइनल 25 मेंबर्स का स्क्वाड है. एंड उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने इसलिए थोड़ी देर भी लगाई स्क्वाड अनाउंस करने में क्योंकि अभी ISL चल रहा है, उड़ीसा FC वहाँ पे AFC कप खेल रही है अपना सेंट्रल कोस्ट मरीनर्स के अगेंस्ट, तो जो भी इंजरीज हो वो मेरे को एक बार ही पता चल जाए कि मेरा पूरा स्क्वाड अवेलेबल है, कौन से प्लेयर्स अवेलेबल है, कौन से नहीं है, तो मैं बिल्कुल रेडी होके प्रिपेयर होके ही अनाउंस करना चाहता था स्क्वाड. एंड कल मैं अनाउंस कर दूंगा फाइनली एंड 15 तारीख को हमारी टीम सऊदी अरेबिया पहुंच जाएगी. अफगानिस्तान ऑलरेडी सऊदी अरेबिया पहुंच चुकी है, ट्रेनिंग उनकी स्टार्ट हो चुकी है. एशली वेस्टवुड वहां पे जो उनके कोच है अफगानिस्तान के, वो वहां पे अपनी टीम को ट्रेनिंग करवा रहे हैं, वी ऑल नो दैट. एंड संदेश झिंगन की अगर मैं बात करूं तो इंटरव्यू में कहा है ये स्पेशली Igor Stimac ने कि ही इज इररिप्लेसेबल फॉर इंडिया. झिंगन के रिप्लेसमेंट इस वक्त हमारे इंडियन टीम में नहीं है. जितना एक्सपीरियंस उनके पास है, जितने उनके एट्रीब्यूट्स स्ट्रॉन्ग है डिफेंस के एंड जिस तरीके के कमांड वो रखते हैं टीम के ऊपर, एक कैप्टनसी लीडरशिप क्वालिटीज है उनके अंदर, वो इररिप्लेसेबल है हमारे लिए. एंड वो जो लॉस है अब हमने वो देखना है संदेश झिंगन की जगह कौन फुलफिल करेगा आके. एंड उन्होंने ये भी कहा है कि सुनील छेत्री एंड गुरप्रीत सिंह संधू से भी इम्पोर्टेंट ज़्यादा प्लेयर संदेश झिंगन है, जो कि आई थिंक कि सही है क्योंकि ही इज़ अ लीडर ऑल टुगेदर फॉर FC गोवा या उससे पहले वो जिन क्लब्स के लिए भी खेले, एक डिफरेंट बॉल गेम नॉलेज है उनके पास. हम सबको पता है संदेश झिंगन जब हम बात करते हैं उनकी. वेल इट्स टाइम टू सी के इंजरीज अगर ना हो इंडियन फुटबॉल टीम की तो Igor Stimac का प्लान रेडी है. उन्होंने ये भी कहा है कि मैं वहाँ से पॉइंट्स लेके आऊँगा अफगानिस्तान वाले मैच से भी अपने घर पे, ताकि अपने घर पे जब हमारा 26 मार्च को मैच हो तो हम एक विक्ट्री लें एंड हम 99% फिर श्योर हो जाएंगे कि हम राउंड थ्री में जा रहे हैं. एंड उन्होंने ये भी कहा है कि मैं यंग टैलेंट्स को भी देख रहा हूँ, इसीलिए मैं इंटरकाशी का भी मैच देखने गया था एंड यंग लैड्स के ऊपर भी मेरी नज़र है
कि मैंने कब उनको मौका देना है, आई नो वेरी वेल। एंड कल्याण चौबे के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए उनसे, तो उन्होंने कहा कि हम ठीक है यार, हम दोस्त हैं आपस में, हम दोनों का जो रिलेशन है एज अ प्रेसिडेंट एज एन हेड कोच वो काफ़ी सॉर्टेड है, एंड कोई ऐसे मैटर्स नहीं है कि हमारी लड़ाई चल रही है, हमने काफ़ी महीनों से बात नहीं करी, बातचीत हम रेगुलर कर रहे हैं। तो काफ़ी मोटिवेटेड एक हमारा माहौल है इस वक्त अराउंड द इंडियन नेशनल टीम कैंप विद कोच प्रेसिडेंट कल्याण चौबे, ऑल टुगेदर इज वेटिंग फॉर 22 मार्च, क्योंकि सब सेम पेज पे हैं राइट नाउ, एंड इट्स टाइम टू मोटिवेट अवर प्लेयर्स एज वेल, जो फॉर्म में नहीं है प्लेयर्स कुछ, वो फॉर्म में आए वापस। बट विक्रम प्रताप सिंह डिजर्व्स अ स्टार्टिंग 11 फॉर इंडियन नेशनल टीम, जो उस लड़का कर रहा है वो इस वक्त ISL में, वो डिजर्व करता है स्टार्टिंग 11 में अगेंस्ट अफगानिस्तान। वो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, मैं बनाने की कोशिश भी करूंगा। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन।